और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। चलिए, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।